हमारा इतिहास एक है, हम दिखते एक जैसे हैं, खाते पीते एक जैसे हैं, बट जो डिफरेंशिएटर है इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके प्रियम्बल में इतना सारा सार है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, ये सारे अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया है ना आपने, आई सपोज कभी भी आपको कुछ और सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लियामेंट इज आवर बिगेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, यू शुड स्पेंड टाइम ऑन द पार्लियामेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर कोई एथिक्स होते हैं या कहते हैं अपनी अपनी लोगों की पर्सनालिटी होती है और हम सभी सोसाइटी में रह रहे हैं, बट सर रिसेंट टाइम में मैं मतलब मुझे जो ऐसा फील होता है सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट में, तो एज अ ब्यूरोक्रेट्स या मतलब एज अ सिविल एस्पिरेंट हमको सोसाइटी को कैसे डील करना चाहिए, जैसे अगर उनके बीच बैठ रहे हैं हमें कब बोलना है या क्या बोलना है या कैसे पॉइंट्स को अपने रखने, इन सब चीज़ों को हम कैसे डील करें कि वो एक ब्यूरोक्रेसी हमारे अंदर डेवलप हो और हम अपनी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव वे में UPSC की तरफ बढ़ा सकें। आपके काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों इसी शरीर के अंग हैं ना, तो पहले तो आप ये देखें कि आपको जो हायर किया जा रहा है देश के द्वारा एज ए ब्यूरोक्रेट, यू आर नॉट बीइंग हायर्ड टू ओनली कैटर टू दिस। आप बिल्कुल दिल होंगे देश की, जब दिल रक्त का संचार करती है तो वो लिट डिफ्रेंशिएट कि लेफ्ट में भेज रही है राइट में भेज रही है, उसको तो सारा सिस्टम को फंक्शन रखना है। तो आई थिंक आप इस हिसाब से सोचें कि ये लेफ्ट वाले लेफ्ट हो सकते हैं, राइट वाले राइट हो सकते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे को इस सिस्टम को चला के रखना है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, एक ही चीज़ आप ध्यान रखो, सारा काम हो जाएगा। आप अपनी सारी समर्पण को देश के संविधान के प्रति लगा दो, कुछ भी लेफ्ट नहीं लगेगा, कुछ भी राइट नहीं लगेगा, कुछ भी डिवाइडेड सोसाइटी नहीं लगेगी, कुछ भी। देखो आप अपने देश को देखो, हमारे देश में हम कहाँ बाकी के आस पड़ोस के देशों से अलग थोड़ी हैं क्या? हमारा इतिहास देखो, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा इतिहास तो वैसा ही है कि जैसे बांग्लादेश का है, हमारा इतिहास तो वैसा ही जैसे कि श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, चीन का है, या फिर भूटान का है, या नेपाल का है, या फिर अफगानिस्तान का है। ये सब ऐसे ही तो है हमारा इतिहास, तो अगर देखें 300-400 साल पहले ले जाएं तो कहाँ कुछ फ़र्क है, दिखते भी हम एक जैसे हैं। एक चीज़ जो हमको चमका कर रखती है या हमें खूबसूरत बना कर रखती है वो है हमारा संविधान। अगर संविधान को खूब ध्यान से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आपके सवालों का जवाब एक पुस्तक में मिल जाती है, एंड दैट इज़ द डिफरेंशिएटर। अदरवाइज हमारा इतिहास एक है, हम दिखते एक जैसे हैं, खाते पीते एक जैसे हैं, हमारा कल्चर, त्यौहार, ये सारे सब मिलते जुलते हैं, बट जो डिफरेंशिएटर है इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई लाइक यू टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली, कमिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके प्रियम्बल में इतना सारा सार है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, ये सारे अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया है ना आपने, आई सपोज कभी भी आपको कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके विचार अपने आप आने लगेंगे। इट इज़ सच ए ब्यूटिफुल पावरफुल डॉक्यूमेंट। आई थिंक आप मानते हैं इस बात को कि हमारा संविधान ही है जो हमें बाकियों से अलग कर देता है, वरना हम तो बाकी जैसे देश, जिनका मैंने अनादर नहीं करना चाहता हूँ किसी भी पड़ोसी देश का, वो सब अच्छे हैं, अपनी जगह पे अच्छे हैं, बट वो सब हमारे जैसे बनना चाहते हैं। हमारे जैसे क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारा संविधान बहुत स्पेशल है। एंड आई लाइक यू टू हैव कमिटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार है फिर लेफ्ट राइट सेंटर सब अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट? हेलो सर, आई एम रोहिणी। सर माय क्वेश्चन इज दैट के पार्लियामेंट्स के सेशंस कैसे डिसाइड होते हैं एंड इज पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना चाहिए? रोहिणी देखो, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पार्लियामेंट इज़ आवर बिगेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, और अब तो नया भवन भी बन गया है, काफ़ी खूबसूरत है, आपने देखा है उसको? बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और उसके अंदर जो पार्लियामेंट के प्रोसेसेस हैं उनको आपको ध्यान रखना होता है, जो कमिटीज़ हैं उनको ध्यान रखना होता है, बजट जो आपके सेशन होते हैं, BMW जानते हो ना आप? BMW तो कुछ और सोच रहा था, रोहिणी को शायद कोई गाड़ी याद आ रही होगी। तो बजट, मॉनसून और विंटर, ये तीन उनके सेशन होते हैं,
और इसी क्रम में होते हैं, ये बड़ा वाला उससे छोटा वाला उससे छोटा वाला। दिल्ली में सर्दी बहुत होती है ना, तो ऐसे सेशंस होते हैं। इसके अंदर कुछ मुद्दे होते हैं, उनमें जो बिल पास होते हैं उनकी प्रोसेस को सीखो, कौन कौन से बिल पास हुए उसको करंट के लिए देखो, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर पूरे एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं उनको देखो, और इसके पीछे जो संविधान में इसके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उनको देखो, तो आपका ये पार्लियामेंट हो जाता है। एंड आई थिंक पार्लियामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसकी कमेटियाँ खूब यूपीएससी को पसंद है पूछने के लिए कि कैसे बनती हैं, उसमें कौन कौन से अपर हाउस से कितने आते हैं, लोअर हाउस से कितने आते हैं, उसमें मनोनीत होते हैं या फिर उनको इलेक्शन होता है उनका, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। तो आई वुड लाइक दैट यू शुड स्पेंड टाइम ऑन द पार्लियामेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कॉन्टैक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSGIS के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और KSGIS की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जयंत देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSGIS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 टू 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए दो चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाएं और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कॉन्टैक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।